दोस्तों स्वागत है जी तुहाडा सारिआं दा पंजाब जॉब अपडेट दे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दे उत्ते। दोस्तों अज दी वीडियो दे विच आपां गल करांगे अग्निपथ स्कीम दे अंडर निकलियां एयरफोर्स दी भर्ती बारे। ये भर्ती जो है दोस्तों किस बेस ते कढ़ी गई है, असदी दी एलिजिबिलिटी की है, सानूं सारी जानकारी जो है दोस्तों इस वीडियो दे राहीं दित्ती जाएगी। वीडियो शुरू करन तों पहलां जेकर दोस्तों तुसीं साडे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता है तां सब तों पहलां तुसीं साडे चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करो ताकि तुहानूं पंजाब विच निकल वालियां नवीं नवीं पोस्टां या फिर एडमिशन फॉर्म जो ने उन्हां बारे जो है पता लगता रहे। गल करिए दोस्तों इस नवी भर्ती की, तो तुम देख सकते हो कि इंडियन एयरफोर्स की भर्ती जो निकली है वह अग्निपथ वायु रिक्रूटमेंट 2022 के अंडर इन्हों वालों कढ़ी गई है। इस स्कीम के दोस्तों तुम देख सकते हो कि 24 जून 2022 तो इन पोस्टों के फार्म भरने जो ने दोस्तों वो शुरू हो चुके हैं। इन पोस्टों अपलाई करने की जेकर आप लास्ट डेट की गल करिए देख सकते हो कि 5 जुलाई 2022 तक इन पोस्टों तुम अपलाई कर सकते हो। एग्जाम डेट की आप गल करिए 24 जुलाई 2022 होगा जिसके एडमिट कार्ड जो ने दोस्तों वो एग्जाम तो हफ्ता पहला जो ने इन्हें ऑफिशियल वैबसाइट उत्ते अपलोड कर दिए जाएंगे। इन्होंने थोड़ी प्रोविजनल लिस्ट जो है दोस्तों एक एग्जाम बेस से तैयार की जाएगी जिस तों बाद ही थोड़ी जो है अगली कार्रवाई जो है थोड़ी वो की जाएगी। हुण आपां गल करदे आ दोस्तों फीस बारे, तो यदि फीस की आप गल करिए जनरल OBC और EWS कैटेगरी की जो फीस है वो 250 रुपये होगी। SC ST की जो फीस है दोस्तों वो भी 250 रुपये होगी। ये फीस जो है दोस्तों तुम ऑनलाइन डेबिट कार्ड क्रैडिट कार्ड या फिर नैट बैंकिंग के थ्रू जो है दोस्तों वो भर सकते हो। हुण आपां दोस्तों गल करते हैं इसके लिए एज लिमिट की रखी गई है, तो सानू दोस्तों दस दिए कि इसकी मिनीम एज जो है दोस्तों 17.5 यानी कि 17.5 साल के जिन्हें भी कैंडीडेट ने इन पोस्टों अपलाई कर सकते हैं। और मैक्सीम एज की जेकर आप गल करिए एज पहला जो है दोस्तों 21 साल रखी गई सी मैक्सीम एज, बट बाद दे विच नोटिफिकेशन दे विच सुधार करते हुए तो अग्निपथ स्कीम के अंडर इन्होंने इसकी एलिजिबिलिटी जो है दोस्तों मैक्सीम एज की 23 साल कर दी है। हुण एज जिन्हें 29/12/1999 तो लेके 29/6/2005 के विचकार आती है वह इन पोस्टों अपलाई कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हुण आपां गल करते हैं कि पोस्टां जो ने इस दे अंडर कट्टियां गईयां ने, तो तुसीं देख सकते हो कि इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक 01/2022 इहदियां पोस्टां जो ने दोस्तों कट्टियां गईयां ने। इन्हां दी जेकर आपां एलिजिबिलिटी की गल करिए जेकर तुहाडी प्लस टू जो है दोस्तों इन्हां पोस्टां अपलाई करन दे लई तुहाडे कोल साइंस सबजैक्ट जिवें कि मैथ फिजिक्स और इंग्लिश सबजैक्ट है तुहाडे कोल उह होने चाहीदे ने, अते उस विच तुहाडे घट्टो घट 50% नंबर जो ने दोस्तों वो होने जरूरी ने। जेकर तुहाडे कोल प्लस टू नहीं है तो तुसीं डिप्लोमा किया होया है जिवें कि इंजीनियरिंग दे विच मकैनिकल इलैक्ट्रिकल इलैक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रूमेंटेशन टैक्नोलॉजी या इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी का, अते तुहाडे हर सबजैक्ट दे विचों घट्टो घट 50% नंबर ने तां वी तुसीं इन्हां पोस्टां अपलाई कर सकते हो। होर अगे जेकर आपां गल करिए जेकर तुहाडे कोल 2 साल का वोकेशन कोर्स जां फिर वोकेशन कोर्स विद नॉन वोकेशनल सबजैक्ट जिमें कि फिजिक्स एंड मैथ है, उन्होंने घट्टो घट 50% नंबर ने, इंग्लिश के भी घट्टो घट 50% नंबर ने, तो तुम इन पोस्टों में जो है दोस्तों वो अपलाई कर सकते हो। तो अदर दैन जे थोड़े को साइंस सबजैक्ट नहीं है तो प्लस टू जो है दोस्तों मिनीम 50% मार्क्स दे होनी चाहिए है, तो इंग्लिश के भी थोड़े घट्टो घट 50% मार्क्स होने जरूरी ने। 2 ईयर जेकर थोड़े को प्लस टू नहीं है तो दोस्तों तुहाडे कोल 2 साल का वोकेशन कोर्स भी होना चाहिए है जिसे भी तुहाडे घट्टो घट 50% नंबर आने जरूरी ने। तो दोस्तों हुण तुसीं देख सकते हो कि यह पोस्टां जो ने दोस्तों प्लस टू सिंपल आर्ट्स वाले आते प्लस टू नॉन मैडिकल वाले भी इन पोस्टों जो ने दोस्तों वो अपलाई कर सकते हैं। दोस्तों हाइट की जेकर आप गल करिए 152.5 सेंटीमीटर जो है इस दे विच मंगी गई है। चैसट भी थोड़ी 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन जो फैला के जो इस दे विच वो मंगी गई है। हुण दोस्तों असीं तुहानूं अग्निपथ स्कीम की योजना जो इन्हां वल्लों चलाई गई है सरकार वल्लों इसके फायदे तुहानूं दसांगे। तां तुसीं तुहानूं पता ही है कि मिनीम 17.5 तो लैके 23 साल के जो कैंडीडेट ने इन्हां पोस्ट नूं अपलाई कर सकते हैं। इस दे विच अग्निपथ दी स्कीम दे अंडर दोस्तों अग्निपथ विल अलाउ यू टू सर्व द आर्म फोर्सेस फॉर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर। ये भर्ती जो है दोस्तों जिवें कि तुहानूं पता है कि 4 साल के लिए जो इस दे विच भर्ती जो है तुहानूं कीता जाएगा, अते उस तों बाद जेकर 4 साल तुहाडे पूरे हो जाते हैं तां तुहानूं उस तो बाद रिटायर कर दिया जाएगा, जिस दे विच तुहानूं रिटायर होने तो बाद दोस्तों तुहानूं जो होर पोस्टां निकलने जिवें कि आसाम राइफल CAPF जो भी पोस्टां आंदियां ने या फिर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश दे विच कोई भी पोस्ट आंदियां ने तो तुहानूं उस दे विच प्रैफरेंस पहल ते होएगी, अते तुहाडा 10% कोटा जो है दोस्तों इन्हां पोस्टां दे विच ओह रख्या जाएगा। हुण आपां गल करदे हां अग्नि
एक होर स्कीम बारे तुसीं दसो, अग्निवीर जो भी इस दे विच भर्ती होगा उसका घट्टो घट 48 लाख का बीमा जो है दोस्तों इन्हां वल्लों किया जाएगा। याद रहे ये बीमा जो है दोस्तों सिर्फ 4 साल के लिए ही होगा, जेकर तुहानू कुछ हो जाता है तो तुहाडे परिवार को इस दे विच 48 लाख रुपए वो मिलेंगे। इस दे दौरान दोस्तों तुहानू एक अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट भी जो है दोस्तों इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स वालों जो है तुहानू वो दिता जाएगा दोस्तों। हुण आपां दोस्तों सैलरी की गल करिए तो देख सकते हो तुसीं फस्ट जो साल है तुहाडा तुहानू 30,000 रुपये पर मंथ दिता जाएगा, जिस दे विच तुहानू हैंड 21,000 रुपये दिता जाएगा और 9,000 जो है दोस्तों तुहाडा वो कटेगा। फिर तुहानू सैकेंड ईयर के 33,000 टोटल इनकम मिलेगी, जिसे 23,100 रुपया तुहानू हैंड मिलेगा और 99,100 रुपया तुहाडा वो कटेगा। थर्ड साल के जाके दोस्तों 36,500 तुहानू इनकम मिलेगी, जिस दी बाद 25,580 तुहाडे हाथ च होणगे और 10,950 रुपये तुहाडा जो है दोस्तों PF वगैरह उस दे विचों कटेगा। फोर्थ साल के 40,000 इनकम होगी, जिस 28,000 तुहानू इन हैंड मिलेगा और 12,000 तुहाडा जो है दोस्तों वो कटेगा। तो टोटल आप गल करिए टोटल 5,00,000 रुपया जो है दोस्तों सूँ मिलेगा, और जेकर तुम रिटायर होंगे हो उदो तुम 11.71 लाख रुपए जो ने दोस्तों इन वालों वो दिते जाएंगे। अप्लाई करने के लिए दोस्तों तुम इस अपलाई ऑनलाइन ला दे क्लिक उपर क्लिक करके तुम इस अपलाई कर सकते हो। हूँ आप गल करिए फार्म किमें भरना, तो उसके लिए भी इतने एक वीडियो जो है दोस्तों दी गई है, तुम इस लिंक उपर क्लिक करना है। उस तो बाद जो तुम नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, तुम इतों जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के तुम लिंक जो है इन्हें प्रोवाइड करवा देवे, जितों तुम इन पोस्टों आसानी अप्लाई कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो चंगी लगी हो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर भी जरूर कर दो।